राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रपति और सीजेआई के बीच एक दिलचस्प बातचीत देखने को मिली। दरअसल हुआ यूं कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि आप मुझे रांची लौट आने का अवसर देंगे, नमस्ते जोहार। इस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि न्याय तक पहुंच का एक और पहलू भाषा है। उन्होंने हिंदी में बोलने के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मानना है कि उन्हें देखकर बाकी जज भी इस उदाहरण का पालन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीजेआई की तारीफ करते हुए कहा, मैं भाषा की बात करती हूँ लेकिन इंग्लिश में ये बोल रही हूँ। मैं सीजेआई को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज हिंदी में स्पीच दी। इसके साथ ही सीजेआई ने ऐसे तमाम मुद्दे पर बात की जिनकी न्याय प्रणाली को ज़रूरत है। उन्होंने कहा, सुनवाई समय पर होनी चाहिए, फैसला तुरंत सुनाया जाना चाहिए, अदालतों में स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा होनी चाहिए। आज कितनी अदालतें हैं जहाँ महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।